लास्ट वीडियो में हम लोग सस्टेनेबल uh, डेवलपमेंट के बारे में समझा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है हमारा तो आज हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या फीचर्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ठीक है तो चलिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे स्टेन राइज इन रियल पर कैपिटल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ठीक है नेक्स्ट हो गया हमारा रेशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिडक्शन इन एबिलिटी ऑफ फर्दर जेनरेशन टू मीट देखते हैं ये तो हमारा एक हो गया. मेन फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर अंडर नंबर फर्स्ट है हमारा सस्टेन राइज इन रियल पर कैपिटल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ठीक है तो देअर शुड बी अ सस्टेन राइज इन रियल पर कैपिटल इनकम जो हमारी रियल पर कैपिटल इनकम है उसके में एक पर्टिकुलर परसेंटेज से राइज होना चाहिए इन इकोनॉमिक वेलफेयर ओवर टाइम और समय के साथ हमारा जो इकोनॉमिक वेलफेयर है उसमें भी राइज होना चाहिए रेशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट मीन द नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी यूज एट ऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है उनको हमें यूज़ नहीं करना है इट सिंपली मीन्स द नेचुरल रिसोर्सिस बी रेशनली यूज्ड इन द मैनर सच दैट दे आर नॉट एक्सेसिवली एक्सप्लोइटेड ठीक है और इसका सिंपल मीन ये है कि हमें उनको इतना यूज करना चाहिए कि जितना कि वो जिससे कि वो बर्बाद ना हो ठीक है हमें अपने केवल एक पर्टिकुलर यूज के अकॉर्डिंग ही उसको यूज करना चाहिए उसकी बर्बादी नहीं करनी चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी में एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफ़िल देअर नीड्स नॉट टू बी एम्पेयर ठीक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेस द पॉइंट दैट द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जेनरेशन टू फुलफिल देयर नीड इज़ नॉट इम्पेयर इन द वे ऑफ कॉम्पिटिटिव ग्रोथ प्रोसेस ठीक है तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो इस पर इस बात पर स्ट्रेस नहीं दे रहा है कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो किस तरीके से अपने आ, ग्रोथ को प्रोसेस करेगी या किस तरीके से वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करेगी फॉर एक्ज़ाम्पल इफ़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक ऑयल आर इेशनली यूज टू इंक्रीज प्रेजेंट प्रोडक्शन इट वुड ओनली बी एट द कॉस्ट ऑफ लेसर रिसोर्स इन फॉर द फ्यूचर जनरेशन अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे किसके लिए uh, जो हमारा प्रेजेंट प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए तो जो आगे आने वाली हमारी जनरेशन है उनके पास वो उतने ज्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं होगा सच अ डेवलपमेंट प्रोसेस इज नॉट सस्टेनेबल ओवर ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट होगा वो ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं चलने वाला फोर्थ हमारा चेक ऑन पोल्यूशन फोर्थ क्या हमारा चेक ऑन पोल्यूशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्क कार्ड्स those activities which include environmental pollution, sustainable development क्या करता है ऐसी activities को approve नहीं करता है ठीक है जो कि uh, growth related हो और environment पॉल्यूट कर रहे हूँ Environmental पॉल्यूशन इज टू बी व्यूड एज एन एलिमेंट ऑफ सोशल cost। जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है उसको किस तरीके से हमें देखना चाहिए एक सोशल कॉस्ट के तरीके से देखना चाहिए नेक्स्ट आ गया हमारा स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट सजेस्ट डेलिमिटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक तो जो कॉन्सेप्ट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है गलत तरीके से उसको सजेस्ट नहीं करता है ठीक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओनली सजेस्ट अ ज्यूडिशियस और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इन अ मैन सच दैट द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज सस्टेन विदाउट चैलेंजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू ग्रो एंड प्रॉस्पर ठीक है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट केवल हमें यही सजेस्ट करता है कि हमें सही तरीके से और केवल उतना ही यूटिलाइज करना चाहिए अपने रिसोर्सेस का जिससे कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बराबर बनी रहे बिना किसी चैलेंज के कि हमारी फ्यूचर जेनरेशन को हम जो चैलेंज प्रेजेंट ना करें कि वो अपने आप को ग्रो ना कर पाए ठीक है हाउ कैन इट बी अचीव्ड अब इसको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं वॉट आर द पॉसिबल स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या पॉसिबल स्ट्रेटजीज होती हैं हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन दिस कॉन्टेक्स अब हम कुछ ऑब्जर्वेशन uh, देखेंगे इससे रिलेटेड ठीक है तो सबसे पहले है हमारा इनपुट एफिशियंसी एफिशियंट टेक्नोलॉजी फर्स्ट हो गया हमारा इनपुट एफिशियंट टेक्नोलॉजी ठीक है वी आर टू डिवाइस सच प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज विच आर इनपुट एफिशियंट हमें ऐसे डिवाइसिस का प्रोडक्शन करना चाहिए टेक्नोलॉजीज का जो कि इनपुट एफिशियंट हो इट मीन्स आउटपुट इज मैक्सीमाइज मीन्स जो हमारा रिजल्ट निकल रहा है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए दस विल मॉडरेट द स्ट्रेस ऑन रिसोर्स इंडावमेंट पर यूनिट ऑफ इनपुट इससे क्या होगा जो हमारा जो रिसोर्सेज पर यूनिट ऑफ इनपुट वो क्या होगा मॉडरेट हो जाएगा या कम हो जाएगा Second हो गया यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली एल पी जी एंड सी एन जी आर क्लीनर फ्यूल्स एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली जो एलपीजी और सी एन जी है वो क्या होता है क्लीनर uh, फ्यूल्स होते हैं और एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं द यूज ऑफ दीज फ्यूल्स मस्ट बी एनकरेज इन प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल तो हमें इन फ्यूल्स का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए किसकी जगह पर पे? पेट्रोल या डीजल की जगह पर विच एमिट ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाईऑक्साइड एडिंग टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जिससे कि कार्बन डाईऑक्साइड जो है वो ज़्यादा निकलती है और ग्रीन हाउस गैसेज पर इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है पीपल इन रीडल एरियाज़ शुड बी डिस्करेज फ्राम यूजिंग वुड एज अ फ्यूल जो रूरल एरियाज हैं वहाँ के लोगों को हमें यह डिस्करेज करना चाहिए कि वो लकड़ी को एज अ फ्यूल नहीं यूज़ करें इट कॉज डिफॉरस्टेशन एंड अन वारंटेड डिग्रीडेशन ऑफ रिसोर्सेज इससे क्या होता है कि फॉरेस्ट जो होते हैं उनमें उनका कटान बढ़ जाता है और अन वारंटेड डिग्रीडेशन जो होने लगता है हमारे रिसोर्सेज का वो भी होने लगता है इंस्टेड गोबर गैस प्लांट में भी डेवलप्ड एज अ सोर्स ऑफ डोमेस्टिक फ्यूल ठीक है तो डोमेस्टिक फ्यूल के सोर्स के रूप में हमें क्या करना चाहिए गोबर गैस प्लांट को इंस्टॉल करना चाहिए ठीक है थर्ड है हमारा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट थर्ड क्या है हमारा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट अब ये क्या है हमारा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट मस्ट बी गिवेन प्रायोरिटी इन द प्रोग्राम्स ऑफ स्टेट प्लानिंग तो ये जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट होते हैं वो क्या होता है इसमें हाई प्रायोरिटी प्रोग्राम्स होते हैं स्टेट प्लानिंग के थ्रू दिस विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज़ रिस्ट्रिक्टिंग माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज़ ये क्या करते हैं रूरल एरियाज़ में जो जो एम्प्लॉमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको बढ़ा देते हैं और जो माइग्रेशन होता है रूरल टू अर्बन उसको क्या कर देते हैं रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ठीक है इफ़ रूरल अर्बन माइग्रेशन इज चेकड ट्रांसपोर्टेशन नीड विल ऑटोमेटिकली बी रिड्यूज अब ये जो माइग्रेशन uh, होता है रूरल टू अर्बन का अगर ये कम हो जाएगा तो इसकी इसमें यूज होने वाला ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी कम हो जाएगा ठीक है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ऑल्सो दिस विल रिड्यूज स्ट्रेस ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज और इससे क्या होगा जो तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे अर्बन एरियाज़ के उसमें उसमें भी स्ट्रेस नहीं आएगा अकॉर्डिंगली वन कैन एक्सेप्ट अ चेक ऑन एन्वायरमेंटल पोल्यूशन इससे हम कह सकते हैं कि इससे हमारे जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है उसमें भी कमी आएगी ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट हमारा इसी में कन्वर्ट सनलाइट इंटू सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या करना चाहिए सनलाइट को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहिए और सोलर एनर्जी को हमें इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना चाहिए हेयर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नोटेड इंडिया इज एंडोड एंड सन लाइट विच इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी इंडिया में क्या है कि उसको ये ब्लेस्ड है इंडिया कि उसके पास भरपूर मात्रा में सनलाइट अवेलेबल है और ये एक बहुत ही बड़ा सोर्स है एनर्जी का सनलाइट इज बोथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली एज वेल एज नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो सनलाइट होती है वो दो तरीके से फ्रेंडली होती है एक एन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होती है और नॉन एग्जॉस्टिक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होगा कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट ड्रीम अब ये जो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी में जो कन्वर्जन है ये केवल अब सपना नहीं रह गया है ठीक है थ्रू द टेक्नोलॉजी इट ई एट बी बिकम वाइडली इनोवेटिव अब टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या सकते कर सकते हैं इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी में सोलर एनर्जी इज़ एन इफेक्टिव आंसर नॉट ओनली टू द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो टू द प्रॉब्लम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सोलर एनर्जी है ये क्या है एक इफेक्टिव आंसर हो गया किसके लिए जो भी प्रॉब्लम है हमारे इकोनॉमिक एक, ग्रोथ के लिए और जो भी प्रॉब्लम है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उसके लिए एक अच्छा आंसर है ये हमारा ठीक है नेक्स्ट आ गया हमारा शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग अब ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हमें शिफ्ट होना चाहिए अब ये क्या है इसको समझते हैं हम लोग ठीक है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हैज़ रेज द क्रॉप यील्ड ठीक है इस ज़्यादा केमिकल्स के यूज करने से क्या हो गया जो क्रॉप की जो यील्ड है वो ज्यादा बढ़ गई बट द कॉस्ट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी विच मीन्स अ लॉस ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर द फ्यूचर जनरेशन इससे क्या होगा जितना ज़्यादा हम कैपिट uh, केमिकल सभी यूज करेंगे फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या होगा वो उतना ही कम प्रोडक्शन कैपेसिटी उनको मिलेगी इट इज हाई टाइम दैट वी स्विच ओवर टू फार्मिंग, फोकस ऑन सॉइल हेल्थ रदर देन प्लांट हेल्थ ठीक है तो अब यही सही समय है ठीक है जिसमें हमें ये समझ लेना चाहिए कि आप हमें किस पे ट्रांसफर हो जाना चाहिए या स्विच हो जाना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच हो जाना चाहिए जिसका मेन फोकस किस पे होता है जो मिट्टी होती है जिसमें हम पैदावार करते हैं उसकी हेल्थ पर होता है ना कि जो पैदा हो रहा है उसकी हेल्थ पे ठीक है अगर मिट्टी अच्छी होगी तो हमारी पैदावार ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी में मैनेज द वेस्ट रेदर देन अलाउंग द इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड हाउस होल्ड गार्बेज टू लिटर अराउंड और फ्लो फ्रॉम द इनटू द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स वी मस्ट सिस्टमैटिकली मैनेज देम, ठीक है तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या जो हाउस होल्ड गार्बेज है उसको हमें इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए ना ना जो हमारे स्ट्रीम्स हैं उसमें भी नहीं बहाना चाहिए बल्कि हमें करना ये चाहिए कि उनको सिस्टमेटिकली मैनेज किया जाए ठीक है हाउस होल्ड वेस्ट कैन बी रिसाइकिल इनटू टू कम्पोस्ट एंड यूज एज अ मैन्योर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है उसको हम लोग कंपोस्ट मतलब खाद में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं रिसाइकिल कर सकते हैं और उसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं ठीक है इसी में आप नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रिंगजेंट लॉज ऑन द डिस्पोजल ऑफ केमिकल इंफ्लुंस ठीक है अब ये क्या है हमारा इंडिया इज अ लैंड लॉज लैक इन्फोर्समेंट ठीक है इंडिया क्या है एक ऐसी जगह है जहाँ पर लॉ से ज़्यादा इन्फोर्समेंट चलता है ठीक है केमिकल इन्फ्लुएंस फ्राम द इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर इनवेराइबली ड्राइविंग इन टू द्रीम्स एंड रिवर जो केमिकल इन्फ्लुएंस होते हैं उसको इंडस्ट्रीज है? के उसको बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो हमारी नदियाँ या जो तालाब हैं उसमें बहा दिया जाता है पोल्यूटिंग वाटर एंड इनडेंजरिंगवाटिक लाइफ uh, और इससे क्या होता है जो पानी होता है हमारा वो पॉल्यूट uh, हो जाता है और जो उसमें रहने वाली जो एक्वाटिक लाइफ है वो भी इंडेंजर्ड होती जा रही है सच ए सीरियस वायोलेशन ऑफ लॉज मस्ट बी चेकड इन केस ग्रोथ एंड एनवायरमेंट आर टू गो टूगेदर अगर ये जो चेक होने लगे कि जो हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन इनका जो वॉयेशन है अगर इसको सही तरीके से चेक किया जाए तो जो हमारा ग्रोथ है और इन्वायरमेंट है ये दोनों एक साथ हमारे ग्रो करने लगेंगे ठीक है तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का देखेंगे